खबर शामिल करते चले रहीम यार। हम हमर रमजान की रिपोर्ट के मुताबिक अहमद सजाद फरहान बलाली एडवोकेट ने सूदखोरों के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए इनके हमरा जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसदाद सूद साजिद मोहम्मद रफीक की एडवोकेट मोहम्मद इमरान हुसैन जनरल सेक्रेटरी तहरीक के नौजवाना ने पाकिस्तान सूद से मुतासरा शख्स मोहम्मद नदीम के हमरा तहसील कोर्ट साथ का बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि सूद ने हमारे मुआशरे को दीमक की तरह निगल चुका है, जो इला अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ खुली जंग है। हम जालिम सूद खोर माफिया के खिलाफ जिहाद जारी रखेंगे। खुरम इकबाल नामी शख्स जो के मासूम लोगों को सूद पर रकम देकर मजबूर का नाजायज फायदा उठाने लगा, जिसकी जमानत सुप्रीम कोर्ट से खारिज करवाई गई। सूद खोर की जमानत बाद अज गिरफ्तारी इलाका मजिस्ट्रेट सिटी सादकाबाद हैदर भट्टी के पास जीरे समाप्त थी।